इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था या किसी परिवार जन में या किसी धन में नहीं रहनी चाहिए। जब आप यहां से चलन के योग्य होंगे और ये रह रहकर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति ऐसा आएगा सच में, फिर आप देखेंगे कि मेरी वृत्ति बेटे में है कि बेटी में, पोते में है कि या पोती में, कोठी में या कार में। आप जी ने अपने उस जाल को स्वयं काटने की चेष्टा करनी है कि तो जुलम हो गया मेरा, तब इसमें आस्था है। और यहां आस्था आशा रही तो वापस जन्म होगा, जहां आशा तां बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आपकी यहां किसी भी चीज में आशा रहेगी, आस्था रहेगी, तो वापस आप जी को आना पड़ेगा। इसी यहीं पर मनमाने या फिर बैल बनकर आ जा, और यहां आशा नहीं रही तो फिर हमने आशा कब ना रहेगी? ये ज्ञान आधार बनाओगे, भक्ति घनी करोगे, दान धर्म खूब करोगे, उस भक्ति की शक्ति से भी आपके कुछ बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इतना दबाव बनेगा उसका, आपके मन में वो आने नहीं देगा और परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था आपकी बना देगा। और जो भक्ति नहीं करते तो फिर हमने यहां से तो जाना ही जाना है, भक्ति कर रहे हैं जो, उनके मन में ये आ जाना चाहिए कि फिर जन्म होगा तो फिर यह दुर्गति स्वरूप, मनुष्य जन्म भी हो गया तो मनुष्य जीवन में के सुख पाया अपना। आज हम 60 साल के हो गए, हमें पता है क्या मिला इस जीवन में और क्या मारा था और क्या पराया था। तो इस ज्ञान के आधार से निर्णय हो जाएगा कि अगर फिर जन्म हो गया फिर वो प्रोसीजर, बेटा ना हो तो दुखी हो गए तो महादुखी, क्योंकि फिर उनके पालन में पोषण में कोई बेका देगी मृत्यु हो जाए काल तो फिर रोज जाना करह काम तो रो रो का टक्कर मारेंगे, वह दुर्गति न्यारी। तो इन सब बातों को ध्यान रख के तो सच्ची श्रद्धा बना ले कि तो मरना पड़ेगा, पर इसी जगह चला फिर मरना ना पड़े, यहां से तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अपना है ही नहीं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, मोह है या ना है। तो अपने परिवार में आप जी ने ऐसे रहना पड़ेगा जैसे एक गाड़ी रेलगाड़ी का कंपार्टमेंट होता है और उसमें आप सफर कर रहे हो, जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। किसी का 2 घंटे का है, किसी का 10 घंटे का सफर है, किसी का 24 घंटे का है वो। तो ऐसे ही आप जी इस को ऐसा समझ कर रहोगे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल में जाकर डट गए तो वहां सारी सुविधाएं होते हुए भी आपको पता है कि मेरी नहीं है, उनका प्रयोग भी करना है, उनमें मेज कुर्सी पलंग टीवी वहां पर है, उनका पंखा कूलर एसी फ्रिज उनका प्रयोग भी करना है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि मेरी को ना, ये तो धनी की है। तो ऐसे ही ये सारा रेस्टोरेंट ये होटल ये काल का है और हमने किराए पर अपनी पूंजी जमा करा का यहाँ, तो ये कुछ समय का रहने का यहाँ पर मिला हुआ है और ये व्यवस्था बता दी, इस खेती में बना रखा, ये मजदूरी कर, ये ऐसे खा ले, ये यहाँ छोड़ रखा है, लेकिन ये अपनी नहीं, हम यहाँ होटल में कुछ दिनों के लिए सटे करे हुए। यदि ऐसी आस्था आपकी बन जाएगी तो फिर कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा आपका, कोई बाधा नहीं बनेगी। अन्यथा जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी कैसी वृत्ति होती है? अब जैसे कोई पिछले जन्म में भी कोई भक्त भक्ति करता था और वो पार ना होया, आप जी हो, परमात्मा चाहते हैं कि तुम सभी पार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार होने के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है आपको पार करने के लिए। अब विद्यालय में बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी अधिकतर ही होते हैं और कुछ एक फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल हुए हुए गणे दुखी होया करें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी जन्म में कोई प्राणी कोई आत्मा परमात्मा से विमुख हो गया, भक्ति ना करी छोड़ गया, तो उनको फिर लेता है भगवान शरण में। एक किसान के घर जन्म हो गया उस पुण्यात्मा का,
अब कहते हैं जो जन मेरी शरण में एक बार आ गया, परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में एक बार कोई प्राणी आ गया तो फिर उसको जब तक वो पार नहीं हो लेगा उसके पीछा हम छोड़ना को नहीं। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो उसी विधान से परमात्मा उस किसान के पास गए और किसान से कहा कि भाई, किसान पहले बैठे राम रमी हुई, क्योंकि पिछले संस्कारी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी जन्म ले लो उनमें वो भाव श्रद्धा बनी रहती है। आओ महाराज जी बैठो जी, बड़ी आसन दे दिया, आप नीचे बैठ गया भगत की तरह। तो महाराज जी होते हैं, हमने भक्ति का ज्ञान सुनाते हैं, परमात्मा की चर्चा शुरू कर दी। तो कहने उदाट कर वो किसान कहने लगा, कहाँ जी भक्ति तो मैं करता हूँ, क्या भक्ति की, तो मंदिर में जाता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। फिर सारी बात बताई, भाई यह भक्ति ठीक नहीं, भक्ति की विधि ये है जो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, कैसी करो। अच्छा जी ठीक सत है, भक्ति भी कराएंगे भाई, फिर उपदेश ले ले। अगना जी बनी ये बात, तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े से ठीक हो जाए अपना काम संभालन जोगे, फिर महाराज जी तेरे आप पक्का चेला बन जाऊंगा। लाख समझाने पर भी नहीं माना, यही कहता रहा, परमात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर गए, देखा क्या किसान के दो लड़के थे, उन लड़कों के भी बच्चे हो रहे, उन खिलाने लग रहे खूब प्यार से, सीने से लटा रखे पोते। परमात्मा फिर गए, किसान भाई भगत जी लेब तो तेरे बच्चे भी समझदार हो गए हैं और खेत का काम संभाल लिया, तू आ जा भक्ति कर ले, नाम ले ले। ने बोला महाराज जी देख छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में जा हैं काम कर रहे हैं, और मैं इनको बाद में संभाल रहा हूँ, अब मुझे फुर्सत नहीं है, थोड़े ही बच्चे पोते बड्डे हो जा थोड़े से फिर मैं भक्ति करूँगा। बहुत कहने पर भी ने बोला ना बाबा जी दुखी ना करे मैंने, क्यों पोते घने पैरे लग गया करे, यह काल का एक भयंकर जाल आगे और बढ़ा देता है उसके ऊपर। अब बेटे तो उल्टे बोल रहे, कोई धमका दे कोई खुरका दे, और वो पोते बोल लग रहे पैरे पैरे, तो वो घने प्रिय लगते हैं। न बोले बाबा जी तू तो सब ऐसा ही, तेरे तो कोई लाग नहीं कोई संतान नहीं, तने के पता संसार के उसका है, कह दिया भक्ति कर ले, भक्ति नहीं होया करे, पोते बड्डे हो लेंगे फिर बात करूँगा तेरे ते, फिर जरूर नाम ले लूँगा, पक्की बात हो रही, नो टाल टूट दिया। अब 4 साल के बाद फिर आए परमात्मा संत जी रूप में, तो घर आके पूछा कि भाई तुम्हारा वो कहाँ गए तुम्हारे पिताजी दादाजी, वो पता चला कि वो तो मर गए, 4 साल हो गए मृत्यु होगी। मालिक को तो पता था, क्या था कि खेत में उन्हें का बैल बन गया, आके बैल बन गया, बैल की चुनी प्राप्त की, और खेतों में उसका बेटा उसको हल में जोत रहा। अब परमेश्वर वहां पहुंचे, वो लड़का भी जाने था, महात्मा कई बार आया करते, रोक दिया, कहा महाराज जी कैसे आना हुआ, कि भाई डट जा तेरे बाबू तो दो बात बतलाऊंगा। उस बैल के कान में निकट सी जाके कहन लगा, रे भगत अब तो आजा मेरी शरण में, तेरा शरीर छुटवा दूं बैल का, और नाम दे तेरे को मनुष्य जीवन दे दूंगा, और तू चाल देख, ये दुखी हो रहा तेरा लठ लागे, तेरा बेटा लठ मारे हैं, और तेरी के दुर्गति हो रही, तो के कह है वो बैल, जो कह बाबा जी तू बोल मत, अब मैं यहां से मर जाऊंगा, दूसरा बैल आ गया वो थोड़ा काम करेगा, मेरे बेटे ने टोटा हो जाएगा, वो तेरा गजब हुई हो। परमात्मा बोले अच्छा भाई कोई बात ना, ले धन बना तू बेटा गए। अब कुछ दिन के बाद वो बैल भी मर गया, मृत्यु के बाद वो सांप बन गया। अब सांप को एक याद होता है, उसने कहीं धन गाड़ रखा, पहले जमीन में दबाया करते चोरों के डर से, धन जेवर दाब दिए, पैसे चांदी के हुआ करते सिक्के, वो लको दिए छुपा दिए, तो सर्प बनकर वो वहीं घूम रहा है। अब वो पुत्र वधुओं ने देख लिया,
शोर मचाया, सांप सांप उन बेटिया ने मारा लठ उसके, वो मोरी में गए निकल गया, पर एक दो लाठी अच्छी लागी उसके, कंडे में हो गया बीच तय। वो सहज सहज धीरे धीरे सरक कर बोझड़ों में झाड़ जंग बोझड़ा में पड़ा। जब परमात्मा गए कहाँ, सुना भगत जी अब आवगा मेरी शरण में, न्यू बोला जी जान बचा दो मेरी और अपनी शरण में ले लो। मैंने देख लिया कोई नहीं किसी का, परमात्मा बोले सांकड़ी तड़वा का आया तू मेरी शरण में, आया तो पर यह हड्डी तड़वा के पसड़ी तड़वा के, जब आई तरह समझ में कोई नहीं किसी का, और हम रोज रोन लाग रहे कोई किसी का, कोई ना अपनी भक्ति करो। कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम कोई किसी का, पिता नहीं पुतम ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब बारा बाट। तो परमात्मा इतने दयालु हैं, फिर उसको शरण में लिया, दोबारा मानव जन्म दिया। आगे देखो वो सूतमा होगा ना, फिर वह बीमारी शुरू कर ले मनमाने। तो ऐसे दयालु हैं परमात्मा, पुण्यात्माओं ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और ये ज्ञान नहीं मिलता आपके ना जाने कौन से जन्म के पुण्य, बिना गिनती के असंख्य पुण्य आपके साथ हैं, और विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी के आपके ऊपर है जो आप यहां पहुंच रहे हैं, और ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है उन पुण्यात्माओं के न्यारे कर्म इस दुनिया में। और परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोल सतगुरुदेव।